नमस्कार, दिल्ली टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सविता भारती। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहन गर्ग जी, जो कि जन सहयोग मंच के अध्यक्ष हैं और भाजपा समर्थक भी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, दिल्ली टॉक्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। सर, अभी हाल ही की खबर है आबकारी नीति को लेकर। भाजपा सरकार ने आबकारी नीति को लेकर केजरीवाल सरकार पर उन्हें निशाना ताजा है एक तरह से कि उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया है आबकारी नीति पर। उस पर आपका क्या कहना है सर? ये जो आबकारी नीति आई पिछले वर्ष और जिस ढंग से ये लागू की गई, इस पॉलिसी में शुरू से ही बहुत कमियां थी। हो सकता है केजरीवाल सरकार की नीयत सही रही हो कि, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है बहुत जल्दबाजी में किया गया। और जहां तक एक मुख्य आरोप जिसके थ्रू भ्रष्टाचार हुआ है, यह सभी जानते हैं, जो होलसेलर होता है, जिसका L1 लाइसेंस होता है, जिसके थ्रू सभी जो रिटेल शॉप हैं उस पर माल जाना होता है, वो कमीशन पहले 2.5% होता था। वो पहली बार देश में हुआ कि वो 2.5 से सीधा 12.5% कमीशन हुआ। और उस कमीशन में ही बंदरबांट हुई है, क्योंकि वो इतना कमीशन कभी होलसेलर वाले को कभी मिलता नहीं, पूरे देश में नहीं मिलता। उसमें तय किया गया कि 6% कमीशन का किकबैक जो आप सरकार है या उसके कर्ता धर्ता हैं या जो बिचौलिए हैं, वो उन तक हर महीने पहुंचाना तय हुआ। और वो पहुंचाया गया, इसके साक्ष्य सरकार के पास हैं। भारत सरकार के जब CBI ने जांच की या और अन्य एजेंसियों ने जांच की, तो उसके पुख्ता सबूत भी उनके पास हैं। सर, केजरीवाल सरकार, अभी तक भाजपा सरकार ये इल्ज़ाम लगा रही थी केजरीवाल सरकार पर कि उन्होंने आबकारी नीति पर किया, आबकारी नीति को लेकर भ्रष्टाचार किया है बहुत। पर अब केजरीवाल सरकार वो खुद एलजी पर ब्लेम कर रही है एलजी को कि उन्होंने नोटबंदी के टाइम पे उन्होंने भ्रष्टाचार किया था। सर, ये एक प्रथा चल पड़ी है, सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ आती हैं उसमें। जब भी कोई किसी नेता पर, पार्टी पर भ्रष्टाचार का, अनियमितता का या कोई गलत कानून का आरोप लगता है, तो वो अपने आरोप की सफाई ना देके दूसरे पर आरोप लगाने लग जाते हैं। जहाँ तक नए LG जो VK सक्सेना हैं, उन पर जो अब आरोप लगाया गया है कि वो 2016 में नोटबंदी हुई थी, तब उन्होंने अपने ब्रांचेस के थ्रू पिछले डेट में बिल कटवा कर और जो पुराने नोट हैं उनको नए नोट में उन्होंने बदलवाया। ऐसे आरोप, पुख्ता आरोप कोई नहीं होते, ये हवाई आरोप हैं। पहले इन्होंने पुराने LG पर आरोप लगाया, बैजल साहब पर, कि सारी पॉलिसी तो उनके साइन से लागू हुई थी। उसके बाद उन्होंने अचानक कह दिया कि जो कच्ची कॉलोनियाँ हैं उनमें नहीं खुल सकते। कोई भी आम आदमी का प्रवक्ता जब भी TV डिबेट देखो, कभी भी अपनी सफाई नहीं दे रहा, वो घूम फिर कर दूसरों पर आरोप लगा कर और समय पास करते हैं। सर, ये कोई नई बात तो है नहीं कि ये ब्लेम कर रहे हैं एक दूसरे पर। केजरीवाल सरकार आए दिन भाजपा पर, कभी कांग्रेस पर ब्लेम करती रहती है किसी न किसी बात को लेके। और सर, सिर्फ केजरीवाल सरकार ही क्यों, भाजपा के उस पर भाजपा भी करती है हर किसी पे, इस बारे में कहेंगे सर? और ये पहली बार हो रहा है दिल्ली में कि जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी और उस समर्थन दे के कांग्रेस ने अपना बुरा हाल कर लिया कि आज उनका विधानसभा में एक भी MLA नहीं है, वो आवाज़ उठाएं तो कहाँ उठाएं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता और भाजपा के प्रवक्ता दोनों मिलकर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं और आम आदमी पार्टी उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही। अभी जो दूसरा मुद्दा चला है, ये स्कूल कंस्ट्रक्शन का, रूम्स का, ये भी एक बहुत बड़ा घपला है। हम लोग एज ए बिल्डर काम भी किया है और अपनी सामाजिक संस्थाओं में कहीं ना कहीं निर्माण कार्य चल रहा होता है, इस समय वर्तमान में भी चल रहा है जिसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो स्कूल के कमरों की कॉस्ट जो अभी पिक आ रही है कि
500 फुट का कमरा 33 लाख रुपए में, ये 5 लाख से ऊपर की कंस्ट्रक्शन नहीं है, जिसका यदि वास्तव में 33 लाख रुपए पर कमरा कंस्ट्रक्शन के बिल डाले गए हैं तो इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और अब आपने सुना होगा अन्ना हजारे जी को भी, वो उनकी जीवित आत्मा कितनी इस समय पछता रही है कि मैंने किस व्यक्ति को साथ दिया। और आपको मैं बताऊं कि जब ये अन्ना आंदोलन हुआ और केजरीवाल और ये सब रामलीला में जुटे तो मैं इनका बहुत बड़ा समर्थक था, मैंने अपने क्षेत्र में सैकड़ों होर्डिंग लगवाए और रोज़ प्रतिदिन हम रामलीला मैदान, जंतर मंतर इन आंदोलनों में भाग लेने जाते थे। हमें भी बहुत आशा थी कि जो केजरीवाल और ये किरण बेदी और इन्होंने आंदोलन शुरू किया है, शायद देश से करप्शन ख़त्म होने की कुछ शुरू होगा। लेकिन दुख है कि भ्रष्टाचार कहीं ख़त्म नहीं हो रहा। कोई पॉलिटिकल पार्टी हो वो ये नहीं कह सकती कि मैं दूध से धुली हुई हूँ। जो हमारे चुनाव का तंत्र है, चुनाव लड़ने की प्रक्रिया है, वो बहुत महंगी हो गई है और इस वजह से कोई भी संत अपने को बन के व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। और कोई भी पार्टी पूर्णतः ईमानदारी से कि वो सारे पैसे चेक से ही डोनेशन ले और चेक से ही खर्चा करे, ऐसी कोई पार्टी आज देश में नहीं है। जब चुनाव होते हैं पूरा पैसा कैश में लेन देन होता है, कहीं कोई बिल बनाने की प्रथा पार्टियों में नहीं है, बनते हैं तो बहुत कम बनते हैं। मुझे तो देश के प्रधानमंत्री से निवेदन है कि वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनकी एक्टिविटीज़ पर भी ऐसे ही नज़र रखें जैसे व्यापारियों पर रखी जा रही है आजकल, GST के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, कि उनका कैसे पैसा खर्च हो रहा है और कैसे वो आ रहा है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।